प्यारे दर्शकों, बहुत कोए भक्त अघोरी तांत्रिक पूजा करवाना चाहता है, लेकिन सही गुरुजी नहीं मिलने के कारण वह सब भक्त अपना पूजा नहीं करवा पाते हैं। गुरुजी श्री राजू तंत्र शास्त्री जी बंगाल में अघोर तंत्र पूजा करते हैं। अगर आप तारापीठ या शमशान में या गुरुजी के आश्रम में पूजा करवाना चाहते हैं तो स्वयं आकर बैठकर या फिर आप वीडियो कॉल पर अपना पूजा करवा सकते हैं। प्रमाण के साथ वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है कैसे तारापीठ या महाशमशान में या गुरुजी के आश्रम में अघोरी हवन कुंड में पूजा होते हैं। प्यारे भक्तों, आप किसी से भी अघोरी या तांत्रिक पूजा करवाना चाहते हैं, पहले आप वीडियो कॉल करके देख ले, फिर विश्वास करें। हमारे गुरुजी जब आश्रम में होते हैं तब आपका वीडियो कॉल जरूर उठाएंगे। आप बात करके गुरुजी से सही सलाह ले सकते हैं। आप भक्तों हमेशा रिजल्ट के पीछे भागते हो, इस कारण से जीवन में आपको सही कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। आप कर्म के पीछे भागो, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आपको सही परिणाम जरूर मिलेगा। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप ये जान पाते हैं कि किस तरीके से यदि आप अपने प्यार को पाना चाहते हैं, किसी को वश में करना चाहते हैं या फिर अपने कार्यों में आ रही बाधाओं से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो कौन से वो उपाय हैं जो आपके लिए कारगर साबित होंगे, कौन से वो उपाय हैं जिनको आप करके अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं, ये आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया जाता है। तो आज फिर से एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ एक वशीकरण का प्रचंड, सरल, सटीक और शक्तिशाली उपाय लेकर, जिसको आप अपने घर बैठे कर सकते हैं और किसी भी समय कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ही कम सामग्रियों का इस्तेमाल करना होगा जो आपके घर में आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगी, आपको कहीं बाजार में जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए आपको बताती हूँ कि वो कौन सा उपाय है जिसको करके आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जिस व्यक्ति को भी आप चाहे वश में कर पाएंगे और जिस व्यक्ति को आप वश में करना चाहते हैं, इस उपाय को जरूर करें और उनका नाम लेकर इस उपाय को सच्चे मन पूरी श्रद्धा के साथ करें। वह व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा, आपकी बात मानने लगेगा और यदि वह किसी और के चक्कर में है तो उसके चंगल से मुक्त होकर आपके पास वापस आ जाएगा। तो चलिए, इस उपाय को आप बताने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ और आप भी तैयार हो जाएं इस उपाय को लिखने के लिए और करने के लिए। जिसके नाम मात्र से आप इस उपाय को कर सकते हैं, वह व्यक्ति आपके मन में होना चाहिए, क्योंकि यदि वह व्यक्ति आपके मन में होगा तो मात्र नाम लेने से ही आप इस उपाय में सफलता हासिल कर लेंगे। इस उपाय को करने के लिए जिन सामग्रियों का इस्तेमाल आपको करना होगा, वह सामग्रियां हैं जो कि आपको घर में आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। आपको लेना होगा एक कागज, जी हाँ, आपको लेना होगा एक कागज का टुकड़ा और आपको लेना होगा सिंदूर। इस सिंदूर के साथ ही आपको लेने होंगे चावल जो कि बिल्कुल साबुत होने चाहिए। ये चावल कहीं से खंडित, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। उसके बाद आपको लेना होगा एक दिया। इस दिए में तेल भरा हुआ होना चाहिए, तेल का दिया आपको जलाना होगा, सरसों के तेल का। अब बताती हूँ आपको कि इस उपाय को आपको करना कैसे होगा। आप सफेद रंग का कागज ले लें और सफेद रंग के कागज पर थोड़े से रखें चावल। चावल रखने के बाद इस पर रखें थोड़ा सा सिंदूर और सिंदूर इसके ऊपर रखने के बाद आप बना लें इसकी एक छोटी सी पुड़िया, बिल्कुल इस तरीके से आप एक पुड़िया तैयार कर लें। इस तरीके से इस पुड़िया को बनाने के बाद आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं और सरसों के तेल के दीपक को जलाने के बाद आपको ये जो पुड़िया है ये 7 बार इस दीपक के ऊपर से घुमानी है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखें कि जब आप इस पुड़िया को इसके ऊपर से घुमाएंगे उस समय आपके मन में, आपके दिमाग में उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं और उस व्यक्ति का नाम लेते हुए आप ये प्रार्थना करें ईश्वर से कि वह आपके वश में हो जाए। 7 बार आप इसको दीपक पर घुमाएंगे, दीपक जला हुआ होना चाहिए और घुमाते समय 7 बार आप करेंगे हमारी गुरु माता द्वारा बताए हुए वशीकरण के सिद्ध मंत्र का जाप। जी हाँ, मंत्र है ओम भाम भ्रम भरो वाश्य नमः। एक बार और बताना चाहूंगी, ओम भाम भ्रम भरो वाश्य नमः। आप इस मंत्र का जाप 7 बार करें, एक बार कुड़िया घुमाएं मंत्र पढ़ें, दूसरी बार कुड़िया घुमाएं मंत्र पढ़ें, ऐसा लगातार 7 बार करें और ऐसा करते समय उस व्यक्ति का नाम अपने मन में रखें जिसको आप पाना चाहते हैं, जिसको आप वश में करना चाहते हैं। उसके बाद इस पुड़िया को
एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप मंत्र पढ़ेंगे ना और उस व्यक्ति के से आप जिसको चाहते हैं उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तो ये पुड़िया आपके हाथ में ही होनी चाहिए। उसके बाद आप इसको पुड़िया को ले जाएं और ले जाकर किसी पेड़ के नीचे दबा दें। इसको पेड़ के नीचे दबाते समय आप एक बार फिर से ईश्वर का ध्यान करें और उस व्यक्ति का नाम लें जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। वह व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा और आपकी हर बात मानने लगेगा। यदि आप इन चीजों का समाधान करना चाहते हैं, किसी को वश में करना चाहते हैं, या फिर हमारे गुरु जी के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर आपको उपाय नहीं समझ आया, उपाय की विधि नहीं समझ आई है, उसको जानना चाहते हैं, तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं आप इन पर कॉल कर सकते हैं।